गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रणय गायनकर स्पर्श पार्क में आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको गाइस मेरा बजरी का न्यू सेटअप दिखाना चाहता हूँ। ये न्यू सेटअप मेरा अराउंड अबाउट 40 केजेस लगे हुए हैं। इसमें मैंने पर केज वन पेयर छोड़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें वन पेयर छूटा हुआ है। इसकी फीमेल ने अभी मटकियाँ पकड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इस केजेस, ये केजेस बजरी के लिए थोड़े छोटे लगे होंगे, पर मैंने ये डिसाइड किया है कि हम एक क्लच इनका ले लेने के बाद इन्हें फ्री फ्लाइट के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही एक क्लच एक पैर का ख़त्म हो जाता है, वो मेरे बड़ी कॉलोनी में छूट जाएगा। तो इसे हम 10-15 डेज का रेस्ट टाइम देंगे, तो जिस वजह से उनके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा। तो मेरे पास एक बड़ी कॉलोनी भी है जिसमें मैं इन्हें फ्री फ्लाइट के लिए छोड़ूंगा। ये मेरे बेस्ट पेयर्स अवेलेबल है फिलहाल, तो इन्हें मैंने इनलाइन केज में ही रखा है। बिकॉज देखा गया है, बजरी में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कॉलोनी में काफ़ी मारधाड़ और काफ़ी इन्हें झगड़े होते हैं उनके मटकियों में, फीमेल्स का जाना फिर बच्चे मार देना, ये काफ़ी देखा गया है। तो इसलिए प्लस मुझे रिजल्ट इनलाइन केज में और सिंगल बाय सिंगल केज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इनको इनलाइन केज का इसके सेटअप देके देखा जाए कि कैसा रिस्पांस आता है। तो फ़िलहाल तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बिकॉज पैर सारे सेट हो गए हैं और एक्टिव भी काफ़ी है और इन्हें ये केजेस पसंद भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 3-4 दिन के अंदर ब्रीड करना शुरू कर देंगे। अब देख सकते हैं फीमेल अंदर चली गई हैं। अभी इस सेटअप को लगे हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया है मेरे बर्ड्स ने। सो गाइस, इस वीडियो पे भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। जैसे मैंने कॉकटेल की, मैंने आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने इससे पहले कॉकटेल का अपडेट किया था। कॉकटेल का सेटअप मेरा बाजू में ही लगा हुआ है, इसमें भी मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा। पर ये वीडियो स्पेशल मैंने बजरी की कॉलोनी के लिए, बजरी का इनलाइन केज केज सेटअप आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस केज का, ये मैंने कैसे लगा हुआ है। मैंने इसमें ये रैक्स रेडीली अवेलेबल मिलती है अपने मार्केट में, वो रैक्स का यूज़ करते हुए मैंने ये केजेस उसमें लगाए हुए हैं। एक रैक में अराउंड अबाउट 8 केजेस आए हुए हैं मेरे। उसके बाद मैं आपको एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ बैक साइड में मैंने मटकियों के लिए कैसा अरेंजमेंट किया है। सो ये मैं बैक साइड में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मटकियाँ पूरे लाइन में लगी हुई है। लाइट थोड़ा कम है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आप देख सकते हैं पूरी 40 मटकियाँ मैंने बैक साइड में लगाई है और एक गली जैसा छोड़ी है मैंने पीछे, ताकि मैं इनकी मटकियाँ चेक कर सकूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक इजी वे मैं कैसे इनकी मटकियाँ चेक करूँगा। ये मटकी है, ये मुझे सिर्फ ऐसी साइड में करके मैं चेक कर सकता हूँ। सो ये काफ़ी इजी टू यूज़ मैंने सेटअप किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं मैंने एक एक पैर ऐसा छोड़ा हुआ है इसमें, और ये मेरे सारे पेयर्स है और ये मेरे सारे पेयर्स अच्छा रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं फिलहाल। और इनकी भी प्रोग्रेस के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपको मेरे बस ये इनलाइन सेटअप नया दिखाना चाहता था। और जल्दी ही मैं, मेरी कॉकटेल ने मेरा ब्रीड करना शुरू कर दिया है यहाँ, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही दिखाने जाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आपको आगे प्रोग्रेस देखने में इंटरेस्टेड हो गए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आगे की प्रोग्रेस इनकी ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।